Chappelle Cut. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 4 का लास्ट चैप्टर 21 सिमेट्री। ओके, अब देखिए, अ शेप दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अ लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हिच कैन कवर ईच अदर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल शेप। मतलब किसी भी एक शेप को दो भागों में, बीच में से दो भागों में बांटने वाली लाइन जिसे दोनों भाग क्या हो, इक्वल भाग में डिवाइडेड हो, ठीक है, और कवर करे एक दूसरे को, वो क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिकल शेप कहलाते हैं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रही है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये देखिए इस तरह की, ये देखिए, अ लाइन डिवाइडिंग अ सिमेट्रिकल शेप्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। वही जो मैंने बताया कि किसी भी मतलब पार्ट या किसी भी शेप को दो भागों में बीच में से बांटने वाली लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री बाय पेपर फोल्डिंग, देखो पेपर फोल्डिंग की तरह ये दिखाई दे रहा है आपको, वन सेकेंड और ये थर्ड, मोर देन वन और नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये देखिए, सम शेप्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ये देखिए, ये टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये देखो ऐसी, और ये थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है फोर लाइन ऑफ सिमेट्री, ये देखिए फोर लाइन ऑफ सिमेट्री और ये नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 21, डज द डॉटेड लाइन ऑफ इच शेप रिप्रेजेंट अ लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट, यस और नो। तो देखिए, बीच में से आपको दिखाई दे रही थी यस, ये नो, यस नो और यस। आगे, दो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस फिगर्स, ये देखिए इस तरह से जो सिमेट्री लाइन आपको दिखाई दे रही है जो सही है, उस तरह से आपको इसमें सिमेट्री लाइन मतलब खींचनी है। कंप्लीट द फिगर बाय ड्रॉइंग द सेकेंड हाफ, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है ये ड्रॉइंग, ये आपको इसका सेकेंड हाफ बनाना है। आइडेंटिफाई द लेटर्स विच आर सिमेट्री, ड्रो लाइन एस ऑफ सिमेट्री टू, मतलब यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रही है सिमेट्रिकल किसमें कर सकते हो, देखिए ए बी सी डी ई, उसके बाद एच आई जे के एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे आपको करना है। और चाहे तो आप सिमेट्री लाइन भी इसमें से, ये देखो इसमें लिखा है ना ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री टू, मतलब ड्रॉ लाइन मतलब सिमेट्री, इस तरह की लाइन जो है ना सिमेट्री लाइन, ये दिखाई दे रही है आपको, इस तरह की लाइन भी आप इसमें बीच में से ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसमें हमें नंबर्स लाइन बताने हैं। सिमेट्री तो पहले वाले में कौन सा आएगा, टू लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, फिर दूसरे वाले में आएगा फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री, सिक्स, फोर और फिर वन। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे हमारा जो पूरा सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, फिर इसके अकॉर्डिंग मतलब जो आपका आंसर शीट की पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय।